मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में बहुत से ऐसे महाकाय जीवों ने धरती पर राज किया जिसके चपेट से बचना आज के किसी भी जीवों के लिए लगभग असंभव है। पर आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से दो जीवों की बात करने जा रहे हैं। एक तरफ है शक्तिशाली टीरेक्स, वही दूसरी तरफ है डरावना स्पाइनोसॉरस। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जब दोनों की आपस में मौत की जंग हो तो कौन आखिर तक टिका रहेगा? उससे पहले चलिए दोनों की पॉर्स की बात करते हैं। एक तरफ है 12 फीट ऊंचे और 42 फीट लंबाई वाला 8.5 टन वजन के साथ टीरेक्स, से आप ब्रोनिक किलिंग मशीन या किंग ऑफ डायनासोर भी कह सकते हैं। टीरेक्स प्री हिस्टोरी टाइम में पाए जाने वाला छोटे भुजा वाला डायनासोर था। अरे छोटी भुजाएं किसी भी जीवों के मांस को चीरने के लिए काफी सक्षम थी। इस जीव के नजरों से बच पाना किसी भी जीवों के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि टीरेक्स को अंधेरे में भी किसी जीव से बेहतर दिखता था। पर सबसे खतरनाक इसके जबड़े थे जिसकी बाइक फोर्स 8000 पाउंड की थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपनी बाइक फोर्स से एक कार के दो टुकड़े कर सकता था। वही दूसरी तरफ है 22 फीट ऊंचे और 60 फीट लंबाई वाला 9 टन का डरावना जीव स्पाइनोसॉरस, जिसकी बाइट फोर्स टीरेक्स की तुलना में लगभग आधी थी। इस जीव की सबसे खास बात यह थी कि ये जमीन और पानी दोनों में जीवित रह सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या हो कि अगर टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस की आपस में लड़ाई हो? टीरेक्स भले ही आकार में स्पाइनोसॉर की तुलना में छोटा हो, लेकिन टीरेक्स की मस्कुलर बॉडी और बाइट फोर्स से स्पाइनोसॉरस जमीन पर कुछ देर तक ही टिक पाएगा, क्योंकि प्रीहिस्टोरी पीरियड में टीरेक्स के सामने लगभग 90% जीव इसके शिकार हुए हैं। लेकिन स्पाइनोसॉरस एक समझदार शिकारी था जो अपनी ताकत को भली भांति जानता था। जब भी दोनों की आपस में लड़ाई होती तो किसी तरह स्पाइनोसॉरस टीरेक्स की जबड़न से दूर ही रहता और उसे अपने पीछे भगाकर किसी भी तरह पानी की तरफ लाने की कोशिश करता। और यदि स्पाइनोसॉर अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो टीरेक्स की खैर नहीं और टीरेक्स का बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन यदि टीरेक्स किसी भी तरह स्पाइनोसॉर को पानी की तरफ जाने से रोकने में कामयाब हो जाए या स्पाइनोसॉर को घायल करके उसे जमीन पर गिरा दे तो 60% टीरेक्स स्पाइनोसॉर पर हावी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस जंग में जीत किसकी होगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बता देना। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।